हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम अपने पुराने डिवाइसेस में 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल का जो ऑप्शन है वो हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि हम अपने एक सिंगल कैमरा आईफोन वाले आईफोन में से और भी बढ़िया फोटोज़ और वीडियोस को शूट कर सकें, वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज़ करके। तो आप सभी को पता होगा जो 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल का जो ऑप्शन है वो आपको आईफोन 11 से देखने को मिलता है। तो वो 0.5x कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 0.5x के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आप काफ़ी अल्ट्रा वाइड व्यू कैप्चर कर सकते हो अपने आईफोन में से। जैसे 1x के ऊपर शिफ्ट करोगे तो फिर से आप नॉर्मल फोटो शूट कर सकते हो। तो इसी सेम फीचर को हम अपने पुराने आईफोन्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं 0.5x के साथ, जिसके साथ आप अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज़ करके और भी बढ़िया वाइड एंगल के साथ फोटोज़ को शूट कर सको। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज, ये जो मेथड रहने वाला है आईफोन 6s से लेकर आगे जितने भी आईफोन्स हैं जिसमें आपको 0.5x का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, उन सभी आईफोन्स में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो गाइज, यहाँ पर आपको अपने कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कोई भी 1x 2x 3x का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैनोरमा मोड में शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पर पैनोरमा मोड में शिफ्ट करोगे, यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को लैंडस्केप मोड में रोटेट कर लेना है। लैंडस्केप मोड में रोटेट करने के बाद अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एरो देखने को मिल रहा है और लाइन देखने को मिल रही है येलो कलर की। यहाँ पर आपको अपने एरो को पूरा येलो लाइन के ऊपर ही रखना है। आपको अपने एरो को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, बस अपने डिवाइस को मूव करते जाना है टॉप की ओर, और जिसके साथ आप अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ फोटो को शूट कर पाओगे अपने पैनोरमा मोड को यूज़ करके। कुछ इस तरह से आपको इस प्रोसेस को यूज़ करना है। आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली आपको अपने डिवाइस को मूव करना है बिना हिलाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको शटर के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर अब आपको अपने डिवाइस को मूव करते हुए स्टार्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आप अल्ट्रा वाइड एंगल को शूट कर सकते हो अपने सिंगल कैमरा आईफोन में से। तो यह है आपके सामने रिजल्ट। मैंने यहाँ पर पहले ही एक फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर रखी थी अल्ट्रा वाइड एंगल में, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है एक नॉर्मल फ़ोटो जिसमें आप देख सकते हो 1x के साथ ये मैंने ये फ़ोटो शूट कर रखी है। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ मैंने शूट करी है आईफोन 7 के साथ। तो आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हो आई बटन के ऊपर टैप करके। आईफोन 7 के साथ इसे मैंने शूट करा है और 20 मेगापिक्सल की ये फ़ोटो है और यहाँ पर 2 MB का इसका साइज़ है। आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ी HDR फ़ोटो इसने शूट करी है और भी ज़्यादा हाई डिटेल के साथ। तो आप सभी को पता होगा जो आईफोन 7 है उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर शूट करके दी है। 20 मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा हाई डिटेलिंग के साथ ये फ़ोटो को शूट करता है पैनोरमा मोड। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सिंगल कैमरा आईफोन में या डबल कैमरा आईफोन में अल्ट्रा वाइड मोड को यूज़ कर सकते हो, 0.5x की ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को यूज शेयर करें ताकि वो भी अपने सिंगल कैमरा वाले डिवाइसेस में से 0.5x की ऑप्शन को इनेबल कर सकें और अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटोज को शूट कर सकें। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।